हमारे सारे रिज्यूमेस एंड प्लस दी जॉब एप्लीकेशन इन टीम हॉटन. सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट. होगा क्या पास को सब है. सो आज का टेम्परेचर इज -10 degrees और आज हम लोग ट्राई करने वाले -10 degrees में हमारे ये फिला का विंड चीटर. सो विथ स्नोफॉल आज, और आज स्नोफॉल की भी अच्छी खासी वार्निंग है गूगल के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे करती गिरी हुई स्नोफॉल, ये भी काइंड ऑफ एकदम सॉफ्टी है. और स्नो स्लजिंग का प्लान कल रखेंगे बिकॉज आज हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करने. बाय द वे ठंडी इतनी है कि जस्ट हैव अ लुक. एंड वी आर इनसाइड द वॉलमार्ट राइट नाउ. और हमेशा की तरह, मतलब पिछले दो ग्रोसरी शॉपिंग की तरह ही अगेन यहाँ पे रिसर्च चालू किया, लाइक हम लोग कौन से वेजिटेबल्स ले. और लाइक हमारी फर्स्ट टाइम में कंपेयर में इस बार हम लोग ग्रोसरी थोड़ी फटाफट करेंगे बिकॉज इस बार हमें पता है कि लाइक पर एल का मतलब क्या है और ये पर के जी का मतलब क्या है और लाइक विच इज़ द बेस्ट डील अमाउंट ऑल दिस स्टोर. और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए इंडियन सेक्शन के अंदर और यहाँ पे सारी इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. ये रहा हल्दीराम के सारे कटा दाल और वो सब. इस थर्ड टाइम कि हम लोग वॉलमार्ट पे आया है तो लाइक यहाँ पे आते अच्छा खासा टाइम पास होता है बिकॉज एक एक मतलब सारी चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ पे नई है रिसर्च करने के लिए और एज वेल एज खरीदने के लिए भी. फॉर सम वियर्ड रीजन लाइक इट्स बीन अराउंड 2 hours इन वॉलमार्ट, हमारे लाइक हाथ गर्म ही नहीं हो रहे. आई थिंक यहाँ के हीटर्स बंद है बिकॉज हाथ अब से हमारे एकदम ठंडे ही ठंडे हैं. फाइनली जो सेक्शन के लिए हम लोग स्पेशली वॉलमार्ट आए थे वो सेक्शन ये रहा स्नो शूज़ का. अब यहाँ पे आराम से 1 से 2 घंटे और जाएंगे बस एक्सप्लोर करने के लिए. ये ले सकते हैं, दिस इज द मतलब लाइक काइंड ऑफ सेम जो भी मेरे पास है. और दिस देखना पड़ेगा बस स्नो शूज है कि नहीं. स्नो प्रोटेक्टेड हो तो इट्स परफेक्ट फॉर मी, एकदम मस्त रहेंगे. अभी प्रॉब्लम्स देखो लाइफ में क्या हो रहा है. एक्चुअली मेरी शू की साइज 11 नंबर, दिस इज 10 नंबर एंड दिस इज 12 नंबर. एक कुछ ज़्यादा ही टाइट है और एक कुछ ज़्यादा ही लूज है. और आई डोंट थिंक यहाँ पे कभी 11 नंबर फिलहाल अवेलेबल है बिकॉज मैंने सारे स्नो शूज़ देखे वहाँ पे लेकिन कहीं भी 11 नंबर है नहीं है ना. सो देखते क्या करते हैं. सो अभी निकल तो कुछ शॉपिंग हमने इतनी आज के लिए की है. स्नो शूज़ का भी रिसर्च चालू है. इफ़ मुझे 11 नंबर मिला तो मैं लूँगा, अदरवाइज लेट्स सी. अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे शूज़ तो मतलब लाइक मेरे लिए स्नो शूज़ तो कहीं नहीं मिला एक्सेप्ट दिस बूट्स. ये बस यहाँ पे बूट्स अवेलेबल है विच इज़ अप टू -20 degrees लेकिन ये रेगुलर में पहनने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े है. सो लेट्स से हम लोग होपफुली कोई और वॉलमार्ट में जाएंगे स्पेशली स्नो शूज़ लेने के लिए बिकॉज यहाँ पे तो लाइक कहीं भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है फॉर दी 11 नंबर. हमारे स्नो शूज़ ओके वॉलमार्ट की इकोसिस्टम अच्छे के लिए जहाँ पे आप लोग अपने लाइक सारे प्रोडक्ट का यू गाइस कैन जस्ट लाइक चेक द QR कोड. ओके सिंपली पास और इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अवेलेबल है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग लाइक कनाडा आने के बाद आई थिंक इट्स बीन अराउंड 18 डेज राइट, इतने हुए आई थिंक 18 डेज हो गए हैं. हम लोग इतनी बार मॉल के अंदर घुसे लेकिन अब तक हम लोग ओहो वहाँ पे तो पूरा कलेक्शन ही है पूरा मार्वल का. Batman है, नासा है, देन ग्रूट सारे इटर्नल्स भी है. तो लाइक मैं ये कहने लगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग इतनी बार मॉल के अंदर घुसे लेकिन अब तक हम लोगों ने खुद को कंट्रोल रखे. हम लोग अब तक क्लोथिंग वाले सेक्शन में गए नहीं है बिकॉज हाँ जानबूझ के नहीं जा रहा. अगर एक बार घुस गए तो फिर अच्छा खासा बिल बना के आएंगे. मैंने वहाँ से उठाया तो ये तो कुछ हाइट अप है नहीं, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल मतलब रेगुलर साइज भी अब टू जो मेरी हाइट अप है उतनी ही हाइट है इसलिए. तो फाइनली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग टीम हॉटन्स में आए हैं और ये जीटेक में ले रहा 2 burgers एंड दिस इज 1 Boston चॉकलेट वाला डोनट है बिकॉज आज हमारा दोपहर को लंच स्किप हो गया था जब हमारे घर के सारे अप्लाइंस हमारे ही बेसमेंट में शिफ्ट हुए थे इसीलिए. और यहाँ पे भी हमने आने के बाद हमेशा की तरह अब हमने अराउंड 15 मिनट्स यहाँ पे रिसर्च की थी लाइक कौन सा है बिकॉज फर्स्ट टाइम में सोलह उतना टाइम तो लगता ही है. फाइनली वी आर आउट ऑफ द वॉलमार्ट, अभी यहाँ पे जाना है. और यह हमेशा की तरह बस है 10 मिनट में और वॉक अराउंड 5 मिनट्स का. अभी हमने यहाँ पे हमारा रेज्यूमे दे दिया है सो लेट्स होप कि कहीं बस हमारी जॉब लग जाए. वैसे तो आज का हमारा मोटिव था जॉब हंटिंग का लेकिन जॉब हंटिंग छोड़ो, हमने तो अच्छी खासी ग्रोसरी की शॉपिंग ही कर लिया. भाई तो आज का बिल भी काफ़ी कम बना है, इट्स जस्ट अराउंड $30 और टेक्निकल वो 42 होने वाला था लेकिन हमने एक चीज़ निकाल दी इसलिए फिर वो 30 हो गया. एक्चुअली स्नो के पूरे के पूरे पहाड़ी बने गए एक्चुअली, ये सब हम लोगों ने अंदर से सारा स्नो निकाला है. यहाँ पे तो देखो आगे पूरा ही मतलब माउंटेन्स ही माउंटेन्स है और ये भी आई थिंक सॉफ्ट स्नो ही होना चाहिए, नहीं ये हार्ड स्नो है. ये बात मैं कह सकता हूँ कि लाइक हमें की स्पीड 30 किलोमीटर की हो मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तब आप लोग विंड चीटर यूज लाइक काइंड ऑफ नहीं कर सकते. 34 में भी आए
लेकिन तब टेम्परेचर आई थिंक हमारा तो तब दिन था इसीलिए। अच्छा वो उस दिन जब मैं हर्षिल वाला बोला था तब प्लस में था तब टेम्परेचर। हाँ तब प्लस में था लेकिन तब विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और आज टेम्परेचर माइनस 11 है, मतलब फील्स लाइक माइनस 11 है लेकिन विंड स्पीड अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर मायना महसूस ठंडी महसूस हो रही है और पता नहीं चश्मे फॉक में ख़त्म होना आई मीन बंद कब होंगे। ऐसा दुबई में सेम मैप देखा था बस वाला, एक्सप्लोर करने की हमने कोशिश भी की लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। एक्चुअली शांति से हमें पूरा टाइम चाहिए पूरे मैप को एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज ब्लू लाइंस, रेड लाइंस, जूम बस, नॉर्मल बस, पेंफन ट्रांजिट, लाइक कई सारी चीज़ें हैं और ट्रांजिट ऐप है ना काफ़ी ईजी हो जाता है। सब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई गो बस में ट्रैवल कर रहे हैं और लाइक कभी ट्रैवल्स बस होती है वैसी प्रीमियम बस लग रही है और इन लोगों के बारे में काफ़ी बढ़ गया होगा बिकॉज यहाँ पर शुरू हो गई है अगली बार हम लोग ट्राई करेंगे ऊपर बैठने का, एक नया एक्सपीरियंस मिलने का। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऐप आराम से आज का मैं ठीक होने वाला अराउंड 33 मिनट्स की बात। हमारे पीछे भी पूरी बस खाली है, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम दोनों मतलब पूरी बस खाली है, बस हम चार लोग अभी बस के अंदर हैं, मैं और श्रेया और हमारे पीछे और दो जने वो ही अरे मोर फास्ट वो उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके सो आई थिंक मैं वाला व्लॉग में मैं एकदम फटाफट एकदम घाई घाई में शुरू हो रहा है बिकॉज अभी जस्ट मुझे चांस मिला है टू लाइक वॉच दी लाइट शो ऑफ द टेस्ला कार मीन्स द टेस्ला मॉडल 3। टेस्ला मॉडल 3 का द लाइट शो, ये मैंने पूरा लेने में सिर्फ मैंने इस विंड चीटर में आओ लिटरली ठंडी में लिटरली फट गई बिकॉज इट इज़ -12 degrees आउटसाइड एंड या काफ़ी ज़्यादा ठंडी, हाथ जम गए, कैमरा जम गया, मैं खुद जम गया, बट सीरियस आई थिंक इट वॉज वर्थ इट, काफ़ी मजा आया। एंड प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड प्लस सब्सक्राइब भी कर लो से प्लीज कमेंट ऑन बिलो के कैसा लगा आपको मेरा वो लास्ट टू लास्ट मीन्स वही हमारा इमरजेंसी वाला ब्लॉग बिकॉज अभी वही ब्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ और मेरा वही ब्लॉग करने का रीज़न यही है कि अभी मैं नीचे का था ये पूरा लाइक लाइट शो देखने के लिए छोटा सा लाइट शो था बट रियली काफ़ी मज़ा आ गया और प्लस इसका एक मैं लेट्स अगर पॉसिबल हो तो नाइट टू मेक एक डिटेल वीडियो ऑन दिस टेस्ला मॉडल 3 के लिए क्या है पूरे कार के फीचर्स एंड प्लस सम सिनेमैटिक ब्यूरो के साथ, बट अभी तो फटाफट आई जस्ट like quickly finish editing of my that emergency one